कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दाहोद स्थित आदिवासी सत्याग्रह रैली में हिस्सा लेने अंतर्गत गुजरात में आगमन करते हुए आज वडोदरा एयरपोर्ट पर वडोदरा कांग्रेस के अग्रणियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के मेहमान बनते हुए दाहोद स्थित आदिवासी सत्याग्रह रैली में हिस्सा लेने के लिए आज वडोदरा एयरपोर्ट पर आगमन किया था, जहां वडोदरा शहर कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विक जोशी, विपक्षी नेता अमी रावत सहित कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस अग्रणियों द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। दाहोद स्थित आदिवासी सत्याग्रह रैली आयोजन के भाग रूप हिस्सा लेने आए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का वडोदरा एयरपोर्ट पर प्रभारी शहर कांग्रेस प्रमुख सहित अग्रणियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया था। तो वही पत्रकारों से रूबरू होते हुए गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा ने खोडल धाम के चेयरमैन नरेश पटेल तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच आने वाले वक्त में सब चित्र स्पष्ट होगा वैसी जानकारी दी थी। राहुल गांधी आदिवासियों की रक्षा के लिए दाहोद में आग बनकर आने वाले हैं। तो वहीं प्रभारी रघु शर्मा सहित कांग्रेस अग्रणियों द्वारा वडोदरा एयरपोर्ट पर ही राहुल गांधी का भव्य स्वागत सत्कार करते हुए पुष्प गुच्छ देकर उनका सत्कार किया गया। तो वही कांग्रेस के प्रमुख वैसे ऋत्विक जोशी ने राहुल गांधी को खादी की और आठ की सूत की आठ लगाने पहनाने से राहुल गांधी ने इनकार करते हुए कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी राजकीय माहौल में चर्चा का विषय बना था, जहां गांधी की सरनेम होने के बावजूद राहुल गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा उनके लिए प्रिय वैसी सूत की आठ पहनने से इनकार करते हुए राजकीय माहौल में एक और मुद्दा ये विवादित बना था।